चार राज्यों में चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी क्या बनेगी राष्ट्रीय पार्टी? आम आदमी पार्टी ने जहां तकरीबन 10 साल पहले राजनीति में आने का फैसला किया था, तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये पार्टी पहले न सिर्फ दिल्ली में ऐतिहासिक जीत करेगी बल्कि पंजाब जैसे राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, जहां तकरीबन 70 साल से अकाली और कांग्रेस की सरकार चलती आ रही है। हर किसी को चौंकाते हुए आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ पंजाब में जबरदस्त जीत दर्ज की है बल्कि लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा विकल्प देने की ओर भी बढ़ती नजर आ रही है। अगर ऐसा होता है तो लोकसभा चुनाव 2024 में आम आदमी पार्टी बीजेपी को सीधे चुनौती देने वाली पार्टी भी बन सकती है, साथ में वो संयुक्त विपक्ष में अहम भूमिका में भी नजर आ जाएगी। खास बात यह है कि दिल्ली में पार्टी की सरकार होने के चलते उनके नेताओं के बयान अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। अगर ऐसा होता है तो अगले कुछ सालों में आम आदमी पार्टी पूरे देश में एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभर सकती है। क्या है आपके राष्ट्रीय पार्टी बनने की पूरी कहानी? पिछले साल दिसंबर के अंत में चंडीगढ़ में हुए निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जो कमाल दिखाया वो एक बानगी थी। 10 मार्च के बाद पंजाब पर किसका हक होगा, राजधानी से चली आपकी हवा में विधानसभा चुनाव लड़ रहे बाकी दल तितर बितर हो गए और पहली बार एक पूर्ण राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ की जीत के बाद दावा किया कि ये जीत पंजाब में आने वाले बदलाव का संकेत है। इसके अलावा पिछली बार बिना सीएम चेहरे के मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी ने इस बार कोई रिस्क नहीं लिया और भगवंत मान को बतौर सीएम प्रोजेक्ट कर चुनावी मैदान में उतरी। स्टेट पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है? जो भी क्षेत्रीय पार्टी चार अलग अलग तरीकों से राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है। चार तरीकों में से एक तरीका होता है चार राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेना। मतलब अगर कोई पार्टी चार राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेती है तो वो आसानी से राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है। स्टेट पार्टी का दर्जा भी इलेक्शन कमीशन ही देती है। ये दर्जा पाने के लिए किसी भी पार्टी को 6 शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करना होता है। हम 6 में से उन 3 शर्तों की बात करेंगे जिन्हें आम आदमी पार्टी इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद पूरा कर सकती है। इन 3 शर्तों में कोई भी एक शर्त अगर आम आदमी पार्टी पूरा कर लेती है तो वह उन राज्यों की स्टेट पार्टी बन जाएगी और फिर राष्ट्रीय पार्टी भी। अगर आम आदमी पार्टी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल वोट का 8% वोट हासिल कर लेती है तो उन राज्यों की स्टेट पार्टी बन सकती है, या फिर 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल वोट के 6% वोट के साथ 2 सीटें जीत जाती है तो स्टेट पार्टी बनने के लायक है। इसके अलावा अगर आम आदमी पार्टी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 3% वोट के साथ 3 सीटें जीत लेती है तो संबंधित राज्य की स्टेट पार्टी बन जाएगी। आम आदमी पार्टी इन सभी राज्यों में इन सभी शर्तों को पूरा कर असलियत में बदलते ही राष्ट्रीय पार्टी बनने के काबिल होने जा रही है। क्या आपको मिलेगा ये दर्जा? एक राज्य यानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी पहले से ही सारी शर्तों को पूरा कर बैठी है। अब बचते हैं 3 और राज्य। पहले पर है पंजाब, दूसरे पर गोवा, तीसरे पर उत्तराखंड और चौथे पर उत्तर प्रदेश। पंजाब में आपने सरकार बना ली है, यहाँ पर स्टेट पार्टी बनने की जरूरतों को 2017 में भी आम आदमी पार्टी पूरा कर चुकी थी। साल 2017 के चुनाव में पंजाब की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी थी। 23% से ज्यादा वोट हासिल आम आदमी पार्टी ने किए थे। 2017 के चुनावों में भी आपने अच्छा प्रदर्शन किया था, वहाँ भी 6% से ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी ने हासिल कर स्टेट पार्टी बनने की आधी शर्त पूरी कर ली थी। दिल्ली में अगर 2 चुनाव के रिकॉर्ड देखें तो 2 महीने बाद होने वाले देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित होने का मौका दिया। यानी अगर दूसरा मानदंड पार्टी तय करती है, यानी उत्तराखंड और गोवा में कम से कम 6% वोट हासिल करती है तो लोकसभा में उसके 4 सांसद होते ही उसका राष्ट्रीय पार्टी बनने का सपना पूरा हो सकता था। आपने इन चुनावों में पंजाब को छोड़कर कहीं और अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। वहीं लोकसभा में केवल आम आदमी पार्टी का एक ही सांसद है जो पंजाब का मुख्यमंत्री बनने पर सांसद पद से इस्तीफा दे देंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी केवल एक ही सीट जीती थी। पंजाब के संगरूर से भगवंत मान ने ये जीत हासिल की। अब तक कौन सी है राष्ट्रीय पार्टी? देश की राष्ट्रीय पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड जैसी पार्टियां क्षेत्रीय दलों की श्रेणी में आती हैं। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई तो क्या होगा? बीजेपी के अलावा कांग्रेस ही ऐसी इकलौती पार्टी है जिसकी सरकार 2 से ज्यादा राज्य यानी कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब में थी, लेकिन अब
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी केवल 10 साल पहले ही शुरू हुई थी। दिल्ली में मजबूत सरकार आम आदमी पार्टी की है, लेकिन जिन भी राज्यों में चुनाव लड़ रही है वहाँ वोट परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। अगर इसी स्पीड से पार्टी आगे बढ़ी तो अगले 2 से 3 सालों में कांग्रेस को पछाड़ते हुए आम आदमी पार्टी देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। साल 2024 तक सीधे भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की स्थिति में पहुंच जाएगी। साल 2021 में आम आदमी पार्टी गुजरात के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है। अब 2022 में होने वाले हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पूरी 68 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। केजरीवाल दिल्ली से बाहर अपनी छाप छोड़ने के लिए 2015 दिल्ली विजय के बाद से कोशिश कर रहे हैं। 2017 में आम आदमी पार्टी पंजाब में विपक्ष बनकर आई, लेकिन 2019 से केजरीवाल ने अपनी रणनीति बदल दी, जिसका परिणाम 2020 की विजय के साथ साथ आप सूरत नगर पालिका में 27 सीटें और चंडीगढ़ नगर पालिका में 35 में से 14 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। आज भी आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी राज्य स्तरीय पार्टी है जो जीत हासिल कर रही है। आम आदमी पार्टी के पास वो तोड़ है जो बीजेपी और कांग्रेस से तंग हुए लोग आजमाना चाहते हैं। आप एक ऐसा राजनीतिक विकल्प है जो उन राज्यों में फोकस कर रहा है जहां भ्रष्टाचार चरम पर है। कांग्रेस या बीजेपी जैसे दल लंबे समय से राज करते आ रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आपने जो तरह राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और कल्याणवादी नीतियों के कॉकटेल की राजनीति से लोगों को मोहित किया। केजरीवाल ने राष्ट्रवाद के नाम पर दिल्ली में देशभक्ति पाठ्यक्रम निकाला। आर्टिकल 370 में केंद्र सरकार के कदम के साथ खड़े रहे। पूरी दिल्ली में 500 तिरंगे झंडे लगाने की योजना। पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्य में अब उनकी राजनीतिक रैलियों के नाम पर तिरंगा यात्रा होती है। हिंदुत्व की बात की जाए तो केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव 2020 के दौरान हनुमान चालीसा पढ़ी। कहते हैं कि वो सॉफ्ट हिंदू नहीं है, देश जोड़ने वाले सच्चे हिंदू हैं। और बुजुर्गों के लिए दिल्ली से अयोध्या तीर्थ यात्रा शुरू करके बीजेपी के पिच पर उन्हीं के खिलाफ बैटिंग करते दिखे। वहीं रणनीति है जिससे कि कांग्रेस ने दशकों तक भारत पर राज किया, अब बीजेपी इसके नित नए प्रयोग कर रही है। गोवा हो या उत्तराखंड या फिर पंजाब, तीनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी के पास कोई मजबूत कार्यकर्ता की सेना नहीं थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल उनके दिल्ली मॉडल और एक नए विकल्प की चाह जनता के सामने रख रहे हैं। चाहे ममता हो, नवीन पटनायक हो, शरद पवार हो या फिर अखिलेश मायावती, केजरीवाल पिछले 30 से 40 सालों में उभरे बड़े नेताओं में सबसे आगे नजर आते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कैसे आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बनती है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।